हालेलुया धन्यवाद हो पिता धन्यवाद हो प्रेस सुरेंद्र कुमार जी आइए हम प्रार्थना करें हाले लुइया हाले लुइया हाले हाले धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके असीम कृपा के लिए पिता आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर और आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए बनाया था आज पिता परमेश्वर आपने हमको जीवतों को भूमि में रखा हम आपके लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं पिता कि आज अगर हम जीवतों को भूमि का भूमि में ना रहते तो पिता परमेश्वर आपकी इनायत करने, करने, करने का आपके हमदोसन्ना करने का आपकी स्तुति करने का आपके वचन को पढ़ने का हमें अवसर ही प्राप्त नहीं होता परंतु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमारे झोली में डाला कि पिता परमेश्वर हम आपके सानिध्य में आ सके और पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम जो भी कुछ बोले वो आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर हम अच्छे से जानते हैं पिता कि हमारी जो भी कुछ पिता परमेश्वर प्रार्थना है वो आप तक पहुंचती है पिता क्योंकि आप अपने भक्तों से पिता परमेश्वर हमेशा यही आशा रखते हैं कि वो आपके करीब आए और आपको पिता परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान आपको चढ़ाने वाले हो सके क्योंकि हमारे पास में आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर हम आपको कुछ नहीं दे सकते पिता परमेश्वर क्योंकि पिता परमेश्वर वचन कहता है कि हम खाली हाथ आए हैं और हम खाली हाथ जाएंगे और पिता परमेश्वर हमारे पास में कुछ भी नहीं होगा हम पिता परमेश्वर यहाँ पृथ्वी से कोई चीज़ नहीं लेके जाएंगे पिता परमेश्वर पृथ्वी की चीजें पृथ्वी पर ही रह जाएगी वो हमारे लिए जिस तरीके से पराई है जिस तरीके से अस्थाई है जो हमारे लिए कोई महत्व नहीं है वो यही के यही रह जाएगी अगर हमारे साथ में कुछ जाएगा पिता परमेश्वर तो हमने आपकी कितनी स्तुति की हमने आपकी कितनी इबादत की और सबसे बड़ी बात हमने अन्य जातियों को आपके नाम के बारे में कितना बताया और पिता परमेश्वर उनके जीवन को कितना परिवर्तित किया ये पिता परमेश्वर हमारे साथ में जाएगा पिता परमेश्वर हम जो भी कुछ आपके नाम से पिता परमेश्वर वचन को बोते हैं पिता और उस समय जो आपकी करते हैं जो आराधना करते हैं जो आपके नाम की महिमा करते हैं यही पिता परमेश्वर आपको भाता है हम कितने पैसे वाले हैं हम कितने अच्छे दिखते हैं हमारे पास कितने कपड़े हैं या हमारा पिता परमेश्वर ये भौतिक आशीषें हमें आपके पास नहीं ले जा सकती इसलिए पिता परमेश्वर हम हमेशा आत्मिक आशीषों को पाने के पीछे दौड़ते चले जाएं पिता ताकि वह आत्मिक आशीषों के साथ में हम पिता परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश करने के उत्तराधिकारी हो सके पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर हमेशा हम आपकी हमदो सिताइश के लिए कभी भी हम अपने जीवन में कोई चीज़ से कर्टल ना करें पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रथम स्थान हम हमेशा हमारे जीवते परमेश्वर को देने वाले हो सके पिता और हमारे बोलचाल से हमारे रहन सहन से हमारे पिता परमेश्वर जिस तरीके का हमारा व्यवहार है उससे पिता परमेश्वर केवल और केवल आपके पिता परमेश्वर लोगों को दर्शन होने वाले हो सके पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मैं आगरा मसीह मंडली के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि किस तरीके से पिता परमेश्वर ये लोग हर एक को मौका देते हैं बोलने का परमेश्वर के वचन को शेयर करने का पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में जो भी कोई कमियां हैं आत्मिक जो पिता परमेश्वर जो भी कुछ पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से और भी इनको भरते चले जाइए क्योंकि आत्मिक रूप से हम सदैव ही चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को भरने पाए पिता परमेश्वर हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज अनुपम भैया के लिए और शबनम के लिए उनके दोनों बच्चों के लिए पूरे परिवार के लिए हम आपके हाथों में इनको डाल देते हैं पिता आपके पवित्र छत्र छाया में इनको डाल देते हैं इनके बच्चे भी जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें दीजिएगा पिता परमेश्वर कि ये अपने बच्चों का जिस तरीके से बिल्कुल पिता परमेश्वर ने जिस तरीके से उनको आज्ञा दी उसके अनुसार वो अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं और इसलिए पिता परमेश्वर इनको जीवन की तमाम आशीषों से विभूषित करना और ये उसके साथ साथ में पिता आत्मिक रूप से भी पिता परमेश्वर लोगों को जागृत करते जा रहे हैं पिता उसके लिए पिता परमेश्वर इन्हें पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आपके आत्मिक आशीषों से माला माल करना आज के दिन के लिए और आज के वचन के लिए फिर से हम आपके अधीन होते हैं पिता आपका जय जयकार करते हुए आपके पिता परमेश्वर हम दो सन्ना करते हुए ये प्रार्थना को हम पिता परमेश्वर अपने जीवते परमेश्वर के नाम से मांगते हैं सुनिए और कबूल करिए आमीन पिता आमेर अंग्रेजी प्रेस लॉर्ड जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं हर किसी को परमेश्वर के नाम से प्रेस लॉर्ड और जो उपस्थित होंगे उनके भी लिए मैं परमेश्वर से आशीषों को मांगती हूँ और जो बाद में ऑफलाइन जो देखेंगे उनके भी लिए पिता परमेश्वर आशीषों की भरमार करें सबसे पहले हम आज के टॉपिक को देखते हैं प्रेस डॉग शब्दम आज का टॉपिक है आर we इन Jesus क्राइस्ट हम परमेश्वर में कौन है हु आर we इन Jesus क्राइस्ट ये आज का टॉपिक है ये टॉपिक के ऊपर हम जब बोलेंगे तो हमें पवित्र आत्मा पूरे तरीके से अपने आगोश में ले ले मैं यही प्रार्थना करती हूँ मेरी बुद्धि बाजू में रह जाए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सचमुच में आज ये वचन जो है कि मैं कौन हूँ ईश मसीह के अनुसार आज मैं कौन हूँ हम इतना परमेश्वर के वचन को बोते हैं परमेश्वर के वचन को बाँटते हैं सब कुछ करते हैं परंतु उसके बाद में हम जरूर उस समय आत्मा में आ जाते हैं हम जरूर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं पर उसके बाद में जो हमारी दिनचर्या है या उसके बाद में हमारा जो स्वभाव है या उसके बाद में जो हमारे कार्य हैं तो उससे हम किसको खुश करते हैं हमारे हमारे अंदर से क्रिश्चियनिटी दिखती है क्या हम हम इसका देखेंगे कि हमारे अंदर सचमुच में क्रिश्चियनिटी दिखती है क्या हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं क्या अपने लिए प्रार्थना करने में कोई वो नहीं है अपने लिए हर कोई प्रार्थना करता है अपने लोगों के लिए हर कोई प्रार्थना करता है जब अपने लोगों को तकलीफ होती है तो जिस तरीके से हम टूट के प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो हमारे लोग हैं तो हम उनसे बहुत ही टूट कर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुन परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुन मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बड़े गिड़गिड़ाहट के साथ में बड़े रो रो के बड़े ही तल्लीन होकर हम प्रभु यीशु मसीह को सामने जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुन ओ आज ये इन लोगों ने कल कल जो डिवोशन हुआ था उस समय आपने बताया था कि अनुष्का की तबीयत ठीक नहीं है करके और हम उनके उसके लिए प्रार्थना करेंगे अनुष्का के लिए बाद में और आप लोगों को समय मिले तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा या फिर बाद में आप देख सकते हैं आप अपने उसमें हैं तो ठीक है प्रेस दिलोट प्रेस दिलोट तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम वो हैं जो परमेश्वर के हाथों की रचना है हम ऐसे ही नहीं हैं कि ऊपर से टपका दिए गए ऐसा नहीं है हम परमेश्वर के हाथों की रचना है हमको पिता परमेश्वर ने अपने आदम को पिता परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है हम फिर से उत्पत्ति की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये हर कोई जानता है कि पिता परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से रचा है अपनी सांस हमारे नथुने में फूकी है आदम को फूकी है और आदम से ही हम सब निकाले गए हैं तो निश्चित ही हम में भी हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है उसकी योजना क्यों उसने हमको अपनी समानता में बनाया जिस तरीके से बाकी के सब लोगों को उसने कहा ऐसा हो जा ऐसा हो जा वैसा हो जा और होते चला गया ना मनुष्य को भी कहता कि मनुष्य बन जा परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है ना परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है पर उसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया अपने स्वरूप में बनाया क्यों बनाया ताकि हम परमेश्वर के समान परमेश्वर जिस तरीके से अच्छे काम करता है कभी बुरे काम नहीं करता कभी किसी की बदनामी नहीं करता कभी किसी की तोहन नहीं करता ना ही कभी को किसी को नीचे दिखाता है वो तो परमेश्वर है वो तो खुदा है वो चाहे तो हमको तोहिन हमारी कर सकता है किसी के भी सामने हमारा इंसल्ट कर सकता है पर हमारा पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारी कभी भी तोहिन नहीं करता तो सबसे पहले हमको परमेश्वर ने अच्छे काम के लिए बनाया है हमारी रचना जो परमेश्वर ने की है वो अच्छे काम के लिए की है क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि उत्पत्ति तीन में जो भी कुछ पाप हुआ उसमें परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि हम पाप की संतान कहलाएं इसलिए उसने एक अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा था कि हम अच्छे काम करें पिता परमेश्वर जो था वो आदम और हवा को यूं ही खाना नहीं खिलाता था उनसे भी वो काम करवाता था जितने भी वहाँ के झाड़ है जितने भी वहाँ का वो है वो सारे लोग सारी चीजों की देखभाल वो लोग किया करते थे और शाम के समय ठंडे के समय में परमेश्वर उनके साथ में होता था परंतु इतना होने के बावजूद भी हमको जो परमेश्वर की योजना है कि हम अच्छे काम करें उसके लिए परमेश्वर ने हमको बनाया और उसके बाद में जब देखा कि मनुष्य अच्छे काम नहीं कर सकता मनुष्य को चाहे कितना भी सरोबार कर दो मनुष्य अच्छे काम नहीं कर सकता इसलिए फिर उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा जो हर कोई जानता है कि पुत्र का इस दुनिया में आने के लिए क्या योजना थी परमेश्वर की तो हम जो पिता परमेश्वर ने पहले ही से हमको एडवांस में यानी हमारे जन्म लेने के पहले ही कहा है जो हम पढ़ते हैं सेकंड तिमुथियस टू का सेवन सेकंड तिमुथियस टू का सेवन क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं यानी हम परमेश्वर से भय खाते हैं इसलिए हम अच्छे काम नहीं करते या हम परमेश्वर से डरते हैं ऐसा नहीं परमेश्वर से तो हमको उसकी आदर करना है उसके वचनों का पालन करना है उसके सब जितने भी परमेश्वर ने हमको उसके जो वचन है वो वचन के अनुसार हमको चलना है उससे हट के हम नहीं चल सकते चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना आ जाए आते हैं हम कठिन परिस्थितियों में जिस तरीके से जब डिवोर्शन के समय आज अनुपम भैया और शबनम ने कल रात को ही बतलाया कि उनकी लड़की का अचानक तीन बजे फोन आया और उसकी तबीयत खराब हो गई परंतु ये पति पत्नी दोनों भी उठ के रात के तीन बजे जबकि कब सोए होंगे उनका उनको मालूम वो डेली डिवोर्शन के बाद में उनको सोने में काफ़ी समय लगता होगा तो उसके बाद में भी दोनों पति पत्नी ने प्रार्थना शुरू कर दी और सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना की उन्होंने देखना कल का आप ग्यारह तारीख का कितने लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना की सब बीमारों के लिए उन्होंने प्रार्थना की क्योंकि उनको जानते हैं कि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो तुम चंगे हो जाओगे वो ये वचन को अच्छे से जानते हैं और वो ये वचन को आत्मसात ही केवल आत्मसात नहीं करते बल्कि वो वचन के अनुसार वो लोग चलते हैं तो हम ये उनके लिए भी या हमारे लिए इसलिए हमको ये पूछना है कि वो हु आर वी इन जीसस क्राइस्ट हम कौन है परमेश्वर के इसमें क्या हम सचमुच में देखो हमारे लिए परमेश्वर की ये पहले से योजना है हमारे जन्म के पहले से परमेश्वर की यो, योजना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की पावर सामर्थ्य पावर प्रेम लव और संयम साउंड माइंड साउंड माइंड की आत्मा दी है मैंने जब डिवोशन ला इनका जो डेली डिवोशन था मैंने ने, जब तक इन लोगों ने नहीं बतलाया तब तक इनके वचनों के द्वारा जैसे भी भैया बोल रहे थे अनुपम भैया बोल रहे थे उसमें कहीं भी मुझको ये महसूस नहीं हुआ कि दोनों भी पति पत्नी अपने लड़की के लिए परेशान हैं वो पूरी तरीके से सचमुच में डिवोटेड थे डेली डिवोशन में वो सचमुच में डिवोटेड होते हैं तो हमको यानी हमको परमेश्वर का जो परमेश्वर जिस तरीके से हमको सिखाता है ना परमेश्वर के अनुसार हमको चलना है और दूसरों के जीवन से देखकर हम भी उस तरीके से अपने आप को पूरे तरीके से ढालने की कोशिश करें हमारे लिए तो हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे के भी लिए प्रार्थना करते हैं और नि, निश्चित ही करेंगे परंतु उसके साथ साथ में उन लोगों ने दूसरों के लिए प्रार्थना की तो इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ में रह के भी सीखते हैं कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए कोई ऐसे ही रात को उठ के साढ़े दस बजे तक ऐसे ही परमेश्वर के वचन को नहीं सुनाता उसके लिए प्रिपरेशन है उसके लिए सब कुछ है पर वो करते हैं इधर बोलना उधर बोलना मेरे ख्याल से रोज उनके दो तीन तो मैसेजेस रहती होंगे तो उठे और कुछ भी बोल दिया ऐसा तो नहीं होता क्योंकि परमेश्वर में हम कौन है परमेश्वर में केवल हम बड़बड़ -बड़ करने वाले हैं क्या लोगों को सिर्फ सुनाने वाले हैं क्या हम कुछ नहीं है हम आ, हम में कोई चेंजेस नहीं आता बस हम लोगों को ही प्रवचन देते रहते हैं तो ये ये हमको परमेश्वर ने नहीं सिखाया है तो हमको परमेश्वर ने क्या दिया है सामर्थ दी है पावर दिया है लोगों को प्रार्थना करने के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करने का हमको सामर्थ है सबको है सबको है चाहे किसी की लैंग्वेज कोई भी हो चाहे वो टूटी फूटी लैंग्वेज में क्यों ना प्रार्थना करता हो पर परमेश्वर को हर चीज पसंद है चाहे वो कैसे भी लैंग्वेज में प्रार्थना करे टूटी फूटी प्रार्थना करे परमेश्वर जानता है ना कि सामने वाला क्या मांग रहा है इसलिए परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दिया है हमको प्रेम दिया है तभी तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे ना हमारे पास में अगर प्रेम ही नहीं है तो हमको दूसरों के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना करने बोला करके हमने कैसे भी कर दिए तो फिर हमारे लिए ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हम कौन हैं जीसस क्राइस्ट में कौन है हम जीसस क्राइस्ट में संयम साउंड माइंड अभी जैसे इन लोगों को जाना पड़ रहा है बेटी के लिए वो लोग जा रहे हैं दिल्ली है ना तो ये ये है उनके मन में विचलित नहीं है वो लोग क्योंकि उनको मालूम है कि उनका खुदा उनके साथ है उनका परमेश्वर उनके साथ है और वो भी विश्वास के साथ में वो लोग दिल्ली जा रहे हैं और उनके विश्वास का परिणाम विश्वास की प्रार्थना की हुई प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा और दे चुका है मैं तो कहती हूँ कि दे चुका है इसलिए जो हमको परमेश्वर ने आत्मा दी है ना उसी के अनुसार हमको कार्य करना है हमारी जो नागरिकता है कहाँ की नागरिकता है हमारी पृथ्वी की क्या हम पृथ्वी के नागरिक हैं हमको परमेश्वर ने पृथ्वी की नागरिकता दी है क्या परमेश्वर का कहना है ये तो तेरा अस्थाई डेरा है तुम नंगा आया नंगा ही चला जाएगा यहां से तू कुछ भी नहीं लेकर जा सकता पृथ्वी का पृथ्वी पे ही रह जाएगा कोई मनुष्य अपने साथ में कि चलो भाई मैं सोने की सामान ले लेता हूं अपने जेब में रख लेता हूं ऐसा सोच के मर गया तो क्या वो उसके वो जो सोने की चीज है वो ऊपर लेके जाएगा स्वर्गलोक में हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्गलोक की है Amen, Lord, हमारी नागरिकता स्वर्गलोक की है हम पृथ्वी के नागरिक नहीं हैं और हम वहां जाने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है क्योंकि पृथ्वी पर सिवाय दुख के हमें कुछ नहीं मिलता खुशी रहती है पर खुशी से ज्यादा हमारे पास में दुख होते हैं पर पर डेली हमारे जीवन में कोई न कोई कोई न कोई कोई न कोई, 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 कोई प्रॉब्लम्स आते ही हैं क्यों क्योंकि हम यहाँ यानी बीमार हुए कुछ भी हमको तकलीफ नहीं होगी वो हम अपने देश में रहेंगे ना तभी हमको सारे सुख मिलेंगे तो हम वहां पे जाने के लिए हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं पर हम बेसब्री से इंतजार करते हैं परंतु क्या हमारे काम वैसे हैं इंतजार तो कर रहे हैं पृथ्वी लोग से उठ जाने का पर क्या हमारे काम वैसे हैं हम क्या सचमुच में हम कह सकते हैं क्या कि हम कभी विचलित नहीं होते अगर हमारे घर में हमारे बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं या हमारे बच्चे का कुछ हो जाता है कुछ भी समझिए जैसा भी अब ये तो पृथ्वी है हमको कुछ भी हो सकता है तो क्या हम विचलित नहीं होते क्षण भर के लिए हमारा विश्वास कमजोर नहीं हो जाता जैसे पतरस ने पानी को देखा और उसका विश्वास एकदम कमजोर हो गया सामने यीशु मसीह थे यीशु मसीह का हाथ पकड़ा था उसने तो पर उस समय वो विचलित हुआ उसने तो यीशु मसीह का हाथ पकड़ा था वैसे ही कहीं हम भी तो विचलित नहीं होते हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं सब कुछ करते हैं तो क्या हम विचलित तो नहीं होते हमारा विचलित होना या कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा कंफ्यूजन वो हमें नहीं आता अगर किसी में नहीं आता है ये विचलित भी नहीं होता है वो क्षण भर के लिए और कंफ्यूज भी नहीं होता है वो क्षण भर के लिए तो सचमुच में मैं, मैं उनको प्रेसॉड ही बोलूंगी क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो मेरा भी एक एक क्षण के लिए क्यों ना हो थोड़ी देर के लिए मैं भी डर जाती हूँ अगर मेरे घर में कुछ मेरे को ऐसा एकदम से कोई न्यूज मिल गई तो थोड़ी देर के बाद में फिर हम एकदम से हमको याद आ जाता कि नहीं हम कौन हैं ईशु मसीह के नजरों में हम कौन हैं यीशु मसीह के नज़रों में तो हम जीतने वाले हैं प्रेयर के द्वारा परमेश्वर के पर प्रार्थना के द्वारा हम हर बात पे संसार की हर मुसीबतों पे हम हावी होने वाले हैं उसको हम पर हावी नहीं होने देंगे हम पर ये जो कंफ्यूजन है थोड़ी देर का वो है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है पर क्रिटिसाइज करना हमारे लिए बहुत अच्छा काम है हमको कितने भी घंटे दे दो क्रिटिसाइज करने के लिए हमको नींद भी नहीं आएगी अगर हमको रात में समझ जाओ बोल दिए कोई और हम क्रिटिसाइज करने लगे लोगों के लिए तो हमारी रात ऐसे ही चली जाएगी पर हमको अगर कहेंगे कोई कि आज रात को हम प्रार्थना करेंगे होल नाइट हम प्रेयर करेंगे तो कितने लोग उपस्थित रहते हैं हम अच्छे से जानते हैं उस विषय पे हमको नहीं बोलना है और हम संसार के काम में अपने आप को बहुत व्यस्त रखते हैं क्योंकि हमको रहता है ना कि भाई मेरे को बाकी के भी तो काम करने हैं ना मेरे दैनंदिनी जीवन में मेरे को बहुत सारे काम रहते वो भी मुझको निपटाना है तो इस तरीके से हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को उस समय दूर कर देते हैं हम भूल जाते हैं कि हम किसके संतान हैं या हमको बचाने वाला कौन है हम परमेश्वर में क्या है हम ये भूल जाते हैं हम देखते हैं कि जिस दिन से हम अपने परमेश्वर को ग्रहण करते हैं जिस दिन से हमने परमेश्वर को ग्रहण किया ये नहीं कि हमने माँ के पेट से क्रिश्चियन होकर आ गए तो हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया या हम डेली संडे को चर्च जाते हैं तो हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया नहीं ये नहीं है हमने उस समय परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया परमेश्वर को तो हम ग्रहण तब करते हैं जब हम नया जन्म पाते हैं निकुदिमुस ने जैसा कहा और परमेश मसीह ने जो निकुदिमुस को उत्तर दिया वो है हमारा नया जन्म उसके अनुसार अगर हमने नया जन्म पाया है तो हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और हम परमेश्वर की पुत्रियां और पुत्र कहलाते हैं उस दिन से पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं और उसके बाद में सचमुच में हमारा चरित्र बदल जाता है तो परमेश्वर के ग्रहण करने के बाद में हमारा अगर चरित्र पूरे तरीके से बल बदल जाता है और हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो पिता परमेश्वर के समान हो जाती है है ना आज हमारी आइडेंटिटी क्या है जब कहीं हम जाते हैं कोई भी काम हो कोई भी काम हो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो आपको अपना आइडेंटिटी बताना ही पड़ता है अपना आधार कार्ड हमको दिखाना ही पड़ता है कंपलसरी है तो परमेश्वर की आइडेंटिटी क्या इतनी हल्की है वो तो हमारा स्वर्गीय स्थान पे जाने के लिए हमारा आधार कार्ड है हम परमेश्वर के राज्य में तभी प्रवेश करेंगे जब हमारे पास में स्वर्गीय आइडेंटिटी का आइडेंटिफिकेशन आइदेंटिफिक, के लिए हमारा आधार कार्ड अगर हमारे पास में होगा स्वर्ग का आधार कार्ड तब हम परमेश्वर के सचमुच में पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे हम कहते जरूर हैं पर हम खुद अपने आप को देख लें क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने पवित्र लहू से खरीदा है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हम कहलाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से हमको खरीदा एक एक कतरा उसने हमारे लिए बहा दिया उसने हमको अपने लहू से खरीद लिया है तो हम सोच लें कि हु आर वी इन क्राइस्ट जीसस सोच ले हम कि हम कौन हैं ये तो सारी उसने हम अपने को पूरे हम लोगों को ऊपर अपने स्वर्गीय देश में ले जाने का पूरा प्रोविजन परमेश्वर ने करके रखा है कि तू सिर्फ जो भी कुछ बाइबल कहता है अनुग्रह के काल में है तू पाप मत कर तू झूठ मत बोल तू सब प्रेम सबसे बड़ा प्रेम प्रार्थना सहभागिता एक दूसरे के साथ में और परमेश्वर के वचन में बने रहना परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पढ़ लिए अरे तुम एक लाइन भी पढ़ के देख लो कि कितना उसमें मीनिंगफुल है वो लाइन में तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के खून से खरीदे हुए हैं उसके अमूल्य रक्त से हमारा छुटकारा हुआ है कोई कह सकता है कि मेरा छुटकारा इससे हुआ मेरा छुटकारा उससे हुआ कह सकता है क्या कोई कि मेरे कारण शबनम का छुटकारा हुआ या शबनम के कारण मेरा छुटकारा हुआ चार तारीख मार्च के चार तारीख से मेरा छुटकारा हुआ ऐसा नहीं कह सकती मैं क्योंकि उस समय मेरे को अनुपम भैया के पेज पर मैं प्रथम बोली पहली बार बोली तो उस दिन मेरा छुटकारा हुआ ऐसा बोलूंगी क्या मैं नहीं जिस दिन मैं परमेश्वर के रक्त से खरीद ली गई उसने मेरे को अपने रक्त से धो दिया अपने पापों से मुझको शुद्ध कर दिया उस दिन से मैं पूरे तरीके से छुटकारा मिला मुझको यह है हमारा असली छुटकारा और हम अपने जीवन में निरंतर हमारे पिता परमेश्वर को प्रेम के कारण प्रेम को परमेश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं जब ये लोग जा रहे हैं और फिर भी ये लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर की संगति को बनाए हुए रखे हैं ये लोगों ने हाँ कैसे भी जा रहे होंगे ये लोग बाय कार जा रहे होंगे बाय रोड जा रहे होंगे या बाय मुझे नहीं मालूम कैसे जा रहे हैं पर जा रहे हैं और आज भी वो परमेश्वर के वचन को सुनते हुए जा रहे हैं तो जो परमेश्वर इनको सामर्थ्य दे रहा है जो परमेश्वर साथ साथ में रखा हुआ है परमेश्वर इन गोदी में उठा के रखा है और अपने अमूल्य रक्त से खरीदा है इन लोगों को तो उनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं ना अप एंड डाउन तो होते रहते हैं ये भी एक परीक्षा की घड़ी होती है परमेश्वर कहता है कि तेरे को मैं अपने पिता परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करते रहो जो भी कोई, जो भी भी कोई कोई आज जिसकी भी परिस्थिति खराब है आज जिसकी भी परिस्थिति खराब है वो यही ये कर ले उसके प्रेम को अपने दैनंदिनी जीवन में खरीद लो उसको तो खरीदने की जरूरत भी नहीं है प्रेम को महसूस कर लो कि पिता परमेश्वर आपके साथ है ये महसूस कर लो और देखो कि क्या वहां जाकर आपको अच्छा खबर सुनने को मिलती है सिर्फ पिता परमेश्वर सिर्फ पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि मनुष्यों के काम कैसे हैं मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं है ना यशया छः सठ चार में लिखा हुआ है कि मैले चिथड़े कपड़ों के समान है हम चाहे कितने भी अपने आप को धार्मिक कह लें पिता परमेश्वर ने क्यों ना हमको खून से खरीद लिया अपने रक्त से नहला दिया है फिर भी हमारे जो दैनंदिनी काम है ना वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है आज भी फिर भी फिर भी जब हम अपने पापों को मान लेते हैं इतना ही काफी नहीं है यहाँ फुल स्टॉप नहीं है भला कि जब हम अपने पापों को मान लेते फुल स्टॉप नहीं है मैंने यहां कॉमा लगाई हूं क्यों क्योंकि और फिर पाप में जीवन व्यतीत नहीं करते पापों को तो मान लिया फुल स्टॉप भी लगा दिया पर नहीं वो कॉमा है और फिर से पाप में जीवन को नहीं बिताते उसको अपने शरीर से पूरे तरीके से पृथक कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं तो पिता परमेश्वर हमको कौन से वस्त्र पहनाता है कौन से वस्त्र पहनाता है पिता परमेश्वर हमको पिता परमेश्वर हमको धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है धन्य है वे लोग जिन्होंने धार्मिकता के वस्त्र को पहन लिया है पिता परमेश्वर के पास में किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं है परमेश्वर के पास में धार्मिकता के वस्त्र को पहनाने के लिए शॉर्टेज भी नहीं है जो भी परमेश्वर इच्छाओं के अनुसार चले पाप में जीवन को छोड़ दे और पाप में जीवन कभी ना बिताए उसको पिता परमेश्वर धार्मिकता का वस्त्र पहनाएगा हम देखते हैं इफिशियो इफिशियंस एक का तीन देखेंगे हम का थ्री हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में देखो कौन से स्थान है हा मसीह में स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है और वो भी कहा स्वर्गीय स्थान में सियोन देश हमारा है देश रहते हैं हम पर देश हमारा देश तो स्वर्गीय देश है पिता परमेश्वर का वचन है ये ये किसी ने नहीं कहा ये पिता परमेश्वर का वचन है कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषी दी है और क्या चाहिए हमको क्या चाहिए हमको दो थी दो का तेरा में भी और चार का इसमें पहले हम इफिसियों एक का चार भी पढ़ लेंगे कि जैसा उसने हम, हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों स्वर्गीय देश में पवित्र और निर्दोष लोगों को प्रवेश है आशीष ने लिखा है सिर्फ आशीष ने लिखा है आशीष ही आशीष दी है आशीषों की कोई कमी नहीं है परमेश्वर के पास में हम दो थी दो का तेरा पढ़ेंगे हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों चाहिए कि प्रिय लोगों को क्या करना है हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें के पत्री जो लिखे उन्होंने वो कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है ना आदि से पहले तुम्हें चुन लिया है तुम तो जन्मे भी नहीं थे तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ था उसके पहले से परमेश्वर ने हमको चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनाकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ कितना ग्रेट है मेरा पिता कितना परमेश्वर महान है हमारे जन्म के पहले से उसने हमको ये सारी आशीषें दे दी है पर वो आशीषे हम हम प्राप्त नहीं करना चाहते परमेश्वर ने तो आशीष ही आशीषे हमको दे रखी है पर हम प्राप्त नहीं करना चाहते उसको हम उसको अप, अपने पांव तले कुचल देते हैं हमारे दैनिक कार्यों से दैनिक का वार्षिक भी नहीं बोल रही हूं मैं दैनिक कार्यों से हम परमेश्वर को ठोकर देते हैं और बोलते हैं पिता तूने तो कहा है ना कि मैं तेरी पुत्री हूं पिता तूने तो कहा ना कि तूने मुझको पहले से जन्म के पहले से चुन लिया तूने मुझको सब के सब प्रकार की आशीषों से मालामाल कर दिया फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों क्वेश्चन करने में हम कोई कमी नहीं करते फिर हमारे साथ में ऐसा क्यों पर परमेश्वर बोलता है कि पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ पवित्र बने रहना है हमको सत्य को जान लेना है कि सत्य ही मार्ग है सत्य है परमेश्वर ही मार्ग है सत्य है और जीवन भी है केवल पिता परमेश्वर वही मार्ग है वही सत्य है और वही जीवन है जिसका आज हम इतने जोर जोर से लेक्चर दे रहे हैं पर हमारा जीवन कैसा है यह हम ही जानते हैं कोई हमारे जीवन को नहीं जानता हम जानते हैं पर क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमको रियलाइज करने की शक्ति दी है आत्मा दी है हमको कि तू खुद रियलाइज कर कि तू कौन है इसलिए परमेश्वर कहता है कि आर वी इन जीसस क्राइस्ट मैं जानती हूं ना मैं कौन हूँ परमेश्वर में इतनी बड़ी बड़ी बातें तो जरूर कर रही हूं पर मैं कौन हूं मेरा जीवन क्या है ये मैं जानती हूं हर कोई अपने अपने बारे में जानता है जो नहीं जानता है वो परमेश्वर के संतान नहीं क्योंकि परमेश्वर ने उसके कान को मोटा कर दिया आंख रहते हुए उसको अंधा कर दिया कान रहते हुए भी वो नहीं सुनता ऐसा भी परमेश्वर हमारे साथ में करता है इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमने अभी पढ़ा पवित्र है निर्दोष है उसके लिए हमको हमने पढ़ा उत्पत्ति के पहले से वो हमको चुन लेता है मत्ती एक में अभी यहाँ से मेरा असली वो शुरू होता है छोटा सा यह आज मैंने ज्यादा बड़ा नहीं बनाई हूँ मत्ती एक में यीशु मसीह की जो जीनियोलॉजी दी गई है ना या आपने हमने मत्ती एक में पढ़े हैं इससे वो उससे वो उससे वो उससे वो और मत्ती एक के आखिर में फिर यीशो मसीह का उल्लेख है मत्ती एक के आखिरी का सिर्फ हम देख लेते हैं कि उसकी जो जीनियोलॉजी है वो परमेश्वर की वहाँ पे यीशो मसीह के इसमें खत्म होती है मत्ती एक में हम पढ़ते हैं जहाँ पे राहब का भी नाम आया हुआ है दाऊद का भी नाम आया हुआ है इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक चौदह पीढ़ी हुई और दाऊद से बबलौन को बंदी होकर पहुंचाने तक की चौदह पीढ़ी हुई और बंदी होकर बबलौन को पहुंचाए जाने के समय में मसीह तक चौदह पीढ़ी हुई यहाँ पे सोलह में लिखा है याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और देख लीजिए जो जीनियोलॉजी जो मैं बता रही हूं ना उसकी खासियत क्या है खासियत क्या है इससे वो पैदा हुआ उससे वो पैदा हुआ उसके पति से उसकी पत्नी को ये पैदा हुआ पूरा लिखा हुआ परंतु जो सोलह का आखिरी का वचन है याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था यहाँ आकर वो ये हो गया है और देखिए यहाँ जीनियोलॉजी में देखिए और मरियम से मरियम से ईशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ यहां कोई पति का नाम नहीं है यहां कोई पुरुष का नाम नहीं है यहां आके मरियम से लिखा हुआ है ये जीनियोलॉजी ईशु मसीह की यहां पर आकर खत्म हो जाती है ईशु मसीह के बाद कौन ये कहीं नहीं मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा आपको कि ईशु मसीह के बाद कौन वो वही खत्म हो जाती है आगे तो आप चारों गॉस्पल में चले जाएंगे ना कहीं नहीं मिलेगा आपको पर ईशु मसीह के बाद वो रुक गई उसके बाद में हम परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का कि पिता परमेश्वर ने किस तरीके से अपने इसमें जीरोलॉजी में हमको प्रवेश करने का अधिकार दिया हम नहीं प्रवेश करते यह हमारी गलती है हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते यह हमारी गलती है हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलते यह हमारी गलती है देखकर भी हम पाप करते हैं यह हमारी गलती है पर पिता परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले ही हमको चुन लिया है और इसलिए कहता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं एंड वी आर ऑल्सो अडॉप्टेड हम सब अडोप्टेड हैं दत्तक लिए गए पुत्र एंड पुत्रियां हैं परमेश्वर की ईश्व मसीह की वी आर ऑल्सो अडॉप्टेड जो हमारा अम, सारी आशीष जो मसीह को परमेश्वर को मिली है वो हमें मिल चुकी है, मिलेगी नहीं। हम उसके पुत्र और पुत्रिया हैं जिसको उसने अपने लहू से खरीद लिया है हम उसके अडॉप्टेड सन हैं पूरे भी भी। तो पिता परमेश्वर ने अपने खून से हमको खरीदा है इसलिए उसके सारी जितनी भी संपत्ति है ना स्वर्गीय मैं स्वर्गीय शब्द बोल रही हूं वो सारी स्वर्गीय संपत्ति हमारी है अगर हम पिता परमेश्वर के अनुसार चलते हैं और पिता परमेश्वर हमेशा हमको रास्ता बताते रहता है भटकते हैं हम फिर पिता परमेश्वर अपने गले लगा लेता है पथ भ्रष्ट हो जाते हैं हम पर पत्ता परमेश्वर फिर भी हमको अपने गले लगा लेता है जिस तरीके से, जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो होते हैं जो हमारे बच्चे होते हैं उनको हम अपने जीवन में जबकि हम जानते हैं कि ये सब चीजें तो हम नहीं लेके जाने वाले हैं ना मरने के बाद हम तो अच्छे से जानते हैं पर हम जीवन भर मौत कब आएगी ये हमको मालूम नहीं जब तक मौत नहीं आती जब तक हमारे हाथ पर चलते हैं हम कमाते रहते हैं, कमाते रहते कमाते रहते हैं कहां से हमको पैसा मिलेगा कहां से हमको पैसा मिलेगा किसके लिए किसके लिए पिता परमेश्वर तो बोलता है ना कि कुछ भी लेके नहीं जाएगा तू यही रह जाएगा सब कुछ तेरा ऐशो आराम वैभव सब कुछ तेरा यही रह जाएगा किसके लिए करते हैं हम बच्चों के लिए करते हैं अपने कि भाई मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं ना हमारे बच्चों को थोड़ा सा कुछ हो जाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता होता है उसने हमारे लिए पहले से ये प्रयोजन करके रखा है कि हम उसके अडॉप्टेड सन हैं। और पृथ्वी के नहीं स्वर्गीय देश का पूरा अधिकार उसने अपने बच्चों को दिया है हम लोगों को दिया है तो हमने किसको चुनना है स्वर्गीय संपत्ति को चुनना है कि पृथ्वी की संपत्ति पे मन लगाना है यहाँ पे हम लोग कितने भी आराम से क्यों ना रहे परमेश्वर ने हमको एक कार दे दी है अच्छा बंगला दे दिया है या अच्छा फ्लैट आजकल फ्लैट कल्चर है अच्छा फ्लैट दे दिया है अच्छे बच्चे दे दिए हैं बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं अच्छे एक उन्होंने दिशा प्राप्त कर ली है परमेश्वर के कारण ही ये सब हुआ है ना हम कौन है करने वाले हम तो केवल बच्चों के ट्रस्टी हैं बच्चों के ट्रस्टी हैं हम हमको पिता परमेश्वर ने ही वो बच्चों को हमें दिया है ताकि हम उनकी सही दिशा से परवरिश करने वाले हो सके पर हम हम तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने हमारा बच्चा इंजीनियर बने कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा पास्टर बने कोई नहीं चाहता ठीक है भाई तू इंजीनियर बन जा ये बन जा आजकल के जमाने में थोड़ा सा अगर कोई ये हो भी गया पहले तो तू इंजीनियर बन जा डॉक्टर बन जा और तू परमेश्वर की सेवा भी कर ये है पर सिर्फ तू परमेश्वर की सेवा मत कर भाई पहले तो अपना करियर तो बना ले क्योंकि हम अपने बुद्धि पे भरोसा करते हैं जबकि पिता परमेश्वर का सीधा वचन है जो हमने थीसरु में भी पढ़ा तिमुथियो में भी पढ़ा कि मैंने पूरा प्रयोजन तुम लोग मेरे अडॉप्टेड बच्चे हो स्वर्गीय राज्य का पूरा अधिकार मैंने तुमको दे रखा है पर मनुष्य नहीं मानता नहीं मानता अच्छा है इस अभी जैसे जो काल में हम रह रहे हैं वहां पे कंपटीशन तो है और बच्चों को सचमुच में वो कंपटीशन से गुजरना पड़ता है और करना भी चाहिए परमेश्वर ने बुद्धि भी दी है ना हमको परमेश्वर ने बिना बुद्धि का तो हमको नहीं रखा हमको बुद्धि भी दी है तो निश्चित ही हमको उस बुद्धि का उपयोग करना है सिर्फ बैठ गए हमको नहीं भाई हमको तो परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है हमको तो कुछ भी नहीं करना हमको तो पढ़ाई भी नहीं करना क्योंकि परमेश्वर ने तो हमको बता दिया कि आखिर में तेरे को स्वर्ग स्थान में ले जाऊंगा वो तो पहला स्थान परमेश्वर को देना है परंतु परमेश्वर ने तुझको बुद्धि भी दी है ना उसका भी इस्तेमाल करके अपने करियर को बनाना बहुत जरूरी है और वो भी परमेश्वर को पूछ के परमेश्वर से दुआ करके परमेश्वर हमको रास्ता बताता है अगर हम उसके रास्ते को छोड़ के दूसरी तरफ जाना चाहें तो परमेश्वर वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होने देता परमेश्वर की हमारे लिए जो ये इच्छा है वही वो पूरी करता है उसके अगेंस्ट हम जाते हैं तो वो कभी पूरी नहीं होती कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से मुसीबतें आती है तो हमको अपना करियर तो बनाना है ज़रूर हम अपने करियर को बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रेस दिलॉट लाजरत भैया तो हमको अपने करियर के अलावा हमको पिता परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है हम अच्छे से जानते हैं कि पिता परमेश्वर अगर हमारे साथ में है तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी और हमको यह भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि हु आर वी इन क्राइस्ट जीसस ये भी नहीं पूछना पड़ेगा हमको परमेश्वर से हम अपने आप से यह नहीं पूछ सकते कि हम कौन हैं क्योंकि हम खुद जानते हैं कि परमेश्वर में सचमुच में सचमुच में हमको चुना है क्या सिर्फ एक भाषण दे, दे देने से परमेश्वर ने मेरे को चुना है ऐसा नहीं होता पर पिता परमेश्वर ने हमको हमारे जन्म से पहले हमारे लिए स्वर्गीय स्थान नियुक्त किया है वो जरूरी हमको है कि हम किस चीज को प्राप्त करें किस चीज को हम हासिल कर ले किस चीज को हम ग्रैप कर ले परमेश्वर की आशीषें दूसरी चीज नहीं हाँ स्वर्गीय चीज की बात कर रही हूं यहां मैं वो हमको हस्तगत करना है वो हमको परमेश्वर से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो हमको लेना है तभी तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से काम करता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया के पीछे लगे रहें दुनियादारी के पीछे लगे रहें और केवल हमारा उद्देश्य यही हो कि हमको कमाना है हमको पैसा कमाना है यही अगर हमारा उद्देश्य हो तो परमेश्वर जो हमारे लिए योजना बनाई है वो कहेगा कि स्वर्गीय स्थानों में तेरे लिए मैंने पूरी जगह बना के रखी स्वर्गीय आशीषों से आशीष ही आशीषे लिखा है सिर्फ आशीष आशिश नहीं आशीष ही आशीषे मैंने तुझको दी है हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जरूर है पर पता नहीं हम भूल जाते हैं एक एक वचन को अगर जब हम देखते हैं ना तो क्यों भूलते हैं यही समझ में नहीं आता कि मैंने तुझको आशीष दी नहीं लिखा है परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैंने तुझको आशिशे ही आशीष हमको क्या चाहिए फिर और क्यों हम इतना चिंता करते हैं परमेश्वर कहता है कि चिंता करके तू अपने एक बाल को भी नहीं बचा सकता हम देखते हैं कि भेड़ जो होती है ना शीप परमेश्वर जो है वो बाइबल में शीप को बहुत क्योंकि हम परमेश्वर की भेड़ें हैं क्यों भाई भेड़ बोला उसने बकरी को बाएं स्थान में क्यों रखा शिप को दाहिने स्थान में क्यों रखा क्यों रखा बाइबल बोलती है ये क्योंकि जो भेड़ जो है ना वो कभी भी गंदी जगह नहीं पसंद करती शीप जो होती है ना वो कभी गंदी जगह नहीं पसंद करती इसमें से हम ये समझते हैं कि वो गंदी जगह में रहती नहीं है तो इसीलिए परमेश्वर ने हमको भेड़ कहा शीप कहा परमेश्वर ने हमको क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उसकी जो भेड़ें हैं वो हमेशा पवित्र स्थान में रहेगी और पवित्र स्थान में कोई अपवित्र चीज नहीं रह सकती कोई अपवित्र चीज नहीं रह सकती पवित्र स्थान में इसलिए परमेश्वर ने हमको भेड़ की उपाधि दी है क्योंकि भेड़ गंदगी नहीं पसंद करती ये परमेश्वर का यानी भेड़ का जो शीप होती है यह सबसे बड़ा एक कारण है भेड़ का उसके अलावा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये जो जैसे जिस तरीके से अभी मैंने जैसी गंदी गंदे स्थानों में नहीं रहती है जो कहा तो हम लोग भी जाके कीचड़ में नहीं रहते हम बोल सकते हैं ना हम भी थोड़ी गंदे स्थान में रहते हम भी तो साफ सुथ जगह में रहते ना पिता हमारा भी घर तो साफ सुथरा बुहारा बिल्कुल अप टू डेट रहता भाई हमारा घर भी तो हम तो फिर भेड़ी हुए ना क्योंकि हम भी गंदे स्थान में नहीं है पर हमारा मन हमारे विचार हम खुद जानते हैं हमारे गंदे विचार हमारा गंदा स्वभाव स्वभाव भी हमारा गंदा होता है जरूर आज मैं आपके सामने बोल रही हूं जरूर मैं सोमवार को भी बोलूंगी बुधवार को भी बोलूंगी पर मेरा स्वभाव वो तो मैं ही जानती हूं ना मेरा व्यवहार मैं जानती हूं मेरा बोलना मैं जानती हूं है ना मेरे गंदे विचार कई बार जैसे कोई हमारे हम हम हमको किसी ने खूब बोल दिया किसी ने हमको बड़ा हर्ट कर दिया खूब हम रोए खूब हम रोए कितने बुरे तरीके से हर्ट किया उसने मेरे को करके और उसके बाद में जैसे कुछ दिनों के बाद में हमको पता पड़ा कि उसका कुछ तो भी बुरा हो गया मेरे को ना एक सेकंड के लिए तो भी मैं मेरी बात कर रही हूं मैं नहीं जानती आप लोगों के लिए मेरी बात मैं कह रही हूं कि कहीं तो भी एक सेकंड के लिए मेरे मन में आएगा मेरे को उसने ऐसा ऐसा किया था ना मेरे को ऐसा ऐसा जलील किया था ना उसने बाद में एकदम से मेरे को विचार आएगा नहीं मैं गलत काम कर रही हूं बिल्कुल आता है ये मैं मे, मेरे मेरे जीवन की बातें बता रही हूं मैं आप लोगों के जीवन को नहीं बता सकती आप लोगों के जीवन में ये सब नहीं होता होगा पर मेरे जीवन में होता है थोड़ी देर के लिए मेरे मन में आता है कि अच्छा मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया था ना फिर एकदम से विचार आता है कि नहीं पिता परमेश्वर मैंने गलती कर दी तो ये स्वभाव के जो लोग हैं ना वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते कितने भी साफ सुफ जगह में तुम लोग रह लो पर हमारे विचार अगर गंदे हैं हमारा स्वभाव अगर गंदा है हमारा आचरण अगर गंदा है कोई भी चीज अगर हमारी गंदी है हम झूठ बोलते हैं हम पैसों के पीछे भागते हैं हम अगर किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हम भीड़ की तरह नहीं है भेड़ ईमानदार होती है मनुष्य की तरह नहीं होती इधर उधर इधर उधर सारा समय कुछ न कुछ चीज प्राप्त करने वाली नहीं होती वो ईमानदार होती है इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि भेड़ मेरी आवाज सुनती है अगर हम शिप हैं तो हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं क्या वॉट आर वी इन क्राइस्ट जीजस कौन है हम परमेश्वर में क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है क्या मैं परमेश्वर की आवाज सुनती हूं सिर्फ एक घंटा सुनती फिर अपने बार लाइफ में चली जाती इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि वो ईमानदार है भेड़ शी बहुत ईमानदार होती है वो नज़रें अपने पूरी मुंडी झुकाकर पूरे सिर को झुकाकर उच्च उसका जो मालिक होता है उसके पीछे 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 वो ये नहीं सोचती कि अगर मैं आ, मुंडी झुका के मैं चलूँगी तो कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊँगी कहीं मुझको चोट तो नहीं आ जाएगी ये मेरे को चरवाहा बराबर लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा ये नहीं सोचती वो पूरे तरीके से विश्वास करती है वो उस पर पूरे तरीके से विश्वास करती है वह उस पर वो तो सामने सामने चलता है ये पीछे पीछे चलती है भेड़ें उसकी वो ऐसा नहीं सोचती कि कहीं हमको गढ़े में तो नहीं गिरा देगा तो ये विश्वास है उनका शिव का ये विश्वास है मुंडी नीचे करना ये नम्रता को दर्शाता है हमारे तो हमेशा घमंड से सिर ऊपर रहता है हमेशा घमंड से सिर ऊपर रहता है परमेश्वर हमको पीछे से ललकारते रहता है ललकारते रहता। अगर परमेश्वर हमारे सामने सामने रहेगा तो पता नहीं हम परमेश्वर को छोड़ के कब से भाग भी जाएंगे अपनी दिशा में चले जाएंगे पर भेड़ का ये स्वभाव है वो अपने चरवाहे पर पूरा भरोसा करती है इसलिए चरवाहा भी चरवाहा यानी ईशो मसीह चरवाहा भी उसे अच्छी जगह में ले जाता है अच्छी जगह में ले जाता है चरवाहा क्योंकि वो जानता है कि वो नम्र है वो दीन है वो चरवाहे की बातें सुनती है विश्वास करती है अनदेखा विश्वास करती है भेड़ों को कम दिखाई देता है ईमानदार होती है साफ सुथरी होती है इसलिए परमेश्वर कहता है कि भेड़ों को मेरे दाई और बकरियों को मेरे बाई ओर बकरी के पीछे तो दौड़ते रहना पड़ता है चरवाहे को तो इस तरीके से इसीलिए हमको कहते हैं कि अच्छी जगह में ले जाता है गंदी जगह में उसे नहीं ले जाता है ना उसी के विरुद्ध में सुअर है समय हो रहा है सबको मालूम है कि पिग के क्या क्या प्रॉब्लम वो है ये हम सब जानते हैं कि वो कैसा रहता है कितना भी उसको साफ सुथरे जगह में रख लो इसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि सब जानते हैं सुअर का कैसा होता है वो तो हमारा व्यक्तिमत्व यानी मैं ऐसा नहीं बोलती कि सुअर के समान है क्या पर हमारा व्यक्तिमत्व क्या भेड़ के समान है क्या चलो जोर के समान नहीं बोलती मैं पर हमारा व्यक्तिमत्व भेड़ के समान है यह आज हम लोग सोचें कि हमारा व्यक्तिमत्व तो सचमुच में शिव के समान है क्या कि हम भटकते हैं हम गंदी जगह में लौटते हैं गंदी जगह में जाते हैं हम यह हमको सोचना है और हम ये भी सोचे कि हम भेड़ हैं या भेड़िए है। यह भी सोचे हम हमारे मन में तो खूब अच्छा अच्छा मैंने बता दी परंतु मैं भेड़िया तो नहीं छुप के आके लोगों को तबाह कर दूं इसलिए आज का मेरा टॉपिक ही था कि हु आर वी इन क्राइस्ट जीसस खुद अपने मन से हम इसके ऊपर विचार करें कि हम कौन हैं पिता परमेश्वर में स्वर हैं पिग हैं या शिप हैं भेड़ हैं या भेड़िया हैं या हम खुद सोचें आइए हम प्रार्थना करें हालेलुया 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 हे अति दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत देते हैं पिता कि ये वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आज आपने हमको एक दिशा दिखाई है पिता कि हमको किस दिशा में जाना है हमको हमारे चरवाहे के पीछे जाना है या हमको भटकता हुआ जीवन हमको पसंद है गंदगी हमको पसंद है ये पिता परमेश्वर हम अच्छे तरीके से जानते हैं पिता कि हम किस तरीके की ज़िंदगी को जी रहे हैं कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कि जो अपने ज़िंदगी के बारे में नहीं जानता हर कोई मनुष्य पहचानता है कि मैं भेड़ हूँ या मैं भेड़िया हूँ पिता परमेश्वर ये जो हमारा पिता परमेश्वर जो मैसेज जो आपके द्वारा हमने तैयार किया आपके पवित्र आवास के द्वारा पिता वो हम ही को पिता परमेश्वर सुधारने की पहले संधि देता है पिता कि हम किस दिशा में जाते हैं पिता पिता परमेश्वर मैं आज विशेष करके प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर अनुष्का के लिए कि जिसकी तबियत पिता परमेश्वर खरा खराब है अनुपम भैया की बेटी उसकी तबियत जो खराब है और ये लोग जो दिल्ली जा रहे हैं पिता पिता परमेश्वर हमें पूरा विश्वास है कि जो वचन के द्वारा वचन को वचन की ढाल लेकर ये लोग जा रहे हैं वचन की तलवार है इनके पास में और इसलिए पिता परमेश्वर कोई भी अंधकार की शक्ति अनुष्का का कुछ नहीं बिगाड़ सकती पिता परमेश्वर ये तो जो भी कुछ उसको तकलीफ है वो आएगी और चली भी जाएगी पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं पिता क्योंकि हमने ये प्रार्थना विश्वास से की है पिता परमेश्वर उसी तरीके से पिता परमेश्वर मैं आज विशेष करके सुगंधा की लड़की सारा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उसको भी बहुत हाई फीवर है पिता और पिता परमेश्वर वो बच्ची के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उसकी सारी कमजोरी को ईश मसीह के नाम से मैं रिब्यूक करती हूँ मैं प्रार्थना करती हूँ कि अंधकार की सारी ताकतें उसके ऊपर प्रबल न होने पाए पिता ये बुखार जो उसको पिता परमेश्वर जो वो परमेश्वर की सेवा करती है पिता छोटी सी बच्ची पिता परमेश्वर परमेश्वर के लिए गाने गाती है प्रेयर करती है पिता परमेश्वर पर पिता परमेश्वर शैतान उसे रोकना चाहता है पर पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना वो छोटी बेटी के लिए यही है पिता कि सारा को पूरे तरीके से आप चंगा करेंगे उसका शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता पिता परमेश्वर उसको वो कमजोर नहीं कर सकता पिता उसको वो हरा नहीं सकता पिता परमेश्वर वो छोटी सी बेटी के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर है, मसीह का पवित्र लहू उसके शरीर पे लगा देते हैं पिता वो पवित्र वो पवित्र लहू से बच्ची चंगी हो चुकी है पिता पिता यह हमारा पूरा विश्वास है परमेश्वर और आपने उसको चंगाई दी है उसके लिए हम पहले से आपको धन्यवाद देते है, पिता है, पिता है। पिता हैं पिता परमेश्वर है। आप वो बच्ची के लिए पिता परमेश्वर अपने जो उसका पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर स्तुति करने का जो स्तुति करती है वो छोटी सी बच्ची वो स्तुति आप उससे सदा करवाते रहिए पिता परमेश्वर उसके वीकनेस को दूर करिए उसके बुखार को दूर करिए कोई भी पिता परमेश्वर कोई भी पिता परमेश्वर कहीं पे भी वो कमजोर ना होने पाए पिता परमेश्वर हम सब मिलके पिता परमेश्वर वो बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता उसी तरीके से पिता परमेश्वर जो कल डेली डिवोशन में पिता परमेश्वर संगीता नाम के मम्मी ने उसके बेटी के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना रखी है उसके बेटी का नाम पिता परमेश्वर आराध्या है और वो बेटी पिता परमेश्वर आप उसके बारे में तो सब कुछ जानते हैं पर फिर भी पिता परमेश्वर हम बड़े दिल के गहराई से वो बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर और आपको पिता परमेश्वर पूरे तरीके से हम अपने पास में पिता परमेश्वर हाजिर करते हैं और वो बच्ची को पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर प्रॉब्लम आया है चेस्ट पर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं राजा कि तू तो वो बच्ची को पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आराध्या को पूरे तरीके से चंगाई दे पिता उसके जो पिता परमेश्वर चेस्ट के ऊपर पिता परमेश्वर जो लंप है पिता परमेश्वर उसको तू पूरे तरीके से निकाल डाल पूरे तरीके से निकाल दे पिता परमेश्वर हम ईश्व मसीह के पवित्र हाथ को उसके चेस्ट पे रखते हैं पिता परमेश्वर और वो लम पूरे तरीके से पिता परमेश्वर हो चुका है पिता परमेश्वर वो हो चुका है पिता परमेश्वर मैंने पूरे विश्वास के साथ हम सब ने पिता परमेश्वर आपके लहू पे हमारा पूरा विश्वास है ईशु मसीह पे हमारा पूरा विश्वास है हमारे जीवित खुदावंत पे मेरा पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर आराध्या के लम को पूरे तरीके से डिसपियर किया है पिता परमेश्वर और उसके लिए हम आपको पहले से धन्यवाद देते हैं पिता ये तीनों बच्चों को पिता परमेश्वर आपने पूरे तरीके से अपने लहू में ढक लिया है पिता परमेश्वर और चंगाई पिता परमेश्वर शुरू हो चुकी है पिता परमेश्वर हम फिर से एक बार अनुष्का के लिए और पिता परमेश्वर सारा के लिए और पिता परमेश्वर ये छोटी बेटी आराध्या के लिए हम तीनों के लिए पिता परमेश्वर आपसे सचमुच में पिता परमेश्वर बहुत ही नम्रता के साथ में बहुत ही दीनता के साथ में और बहुत ही पिता परमेश्वर विश्वास के साथ में आपसे उसकी चंगाई को हमने क्लेम कर चुके हैं पिता और वो लोगों ने चंगाई को पाया है पिता उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता धन्यवाद देते हैं पिता धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हम सब की प्रार्थना को आपने सुना है और इन सबको चंगाई दे दी है पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो आपका धन्यवाद हो आपका धन्यवाद हो।, हो पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए बहाया है पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए कोड़े खाए हैं पिता परमेश्वर आपने आराध्या के लिए आपने अनुष्का के लिए आपने सारा के लिए उनचालीस कोड़े खाए हैं पिता परमेश्वर और वही कोड़े का मैं वास्ता देती हूँ आपको पिता परमेश्वर वो कोड़े खाने से पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से चंगाई को पाते हैं पिता परमेश्वर ईश्व मसीह के कोड़े खाने से ये तीनों बच्चे चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर दिल के गहराई से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के पास में चली गई है पिता मेरी प्रार्थना ईश्व मसीह के नाम से हम सब प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्रार्थना केवल और केवल ईश्व मसीह के नाम से है हमारे जिंदी खुदावंद के नाम से है और वो जिंदा खुदावंद हमारी प्रार्थना को सुनेगा ये मुझे पूरा विश्वास है हम सबको विश्वास है पिता परमेश्वर क्योंकि हमको आपने जन्म से पहले ही चुन लिया है ये तीनों बच्चों को भी आपने जन्म से पहले चुना है और इनकी चंगाई इनका हक है पिता और विश्वास से की हुई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती यहाँ अकेले मैं नहीं बल्कि सब लोग मिलके ये तीनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर के से प्रार्थना कर रहे हैं जिंदे खुदावन से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे जिंदे खुदावन ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है पिता हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना हम यह राफा के नाम से मांगते हैं जिसने हमें चंगाई दे चुके हैं धन्यवाद हो पिता धन्यवाद हो पिता आमीन पिता परमेश्वर ने इनको चंगाई दे दिया इसके लिए हम सब मिलके धन्यवाद देंगे पिता परमेश्वर को हाली लुई या प्रेस दिला पिता परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें जल्द से जल्द तीनों के तरफ से यही हमको उत्तर मिलेगा कि वो लोग पूरे तरीके से ठीक हो चुके हैं प्रेस एवरीवन